देखिए बिहार में कहीं कोई समस्या नहीं है, और बिहार में जो कुछ तत्व हैं उप मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। कुछ लोग सुनियोजित तरीके से बिहार में जो सांप्रदायिक सद्भाव है, सांप्रदायिक एकता है, उस माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं और सुनियोजित ढंग से करते हैं। लेकिन राज्य की जो सरकार है वो उस पर कड़ी नजर रखती है। अभी हाल के दिनों में सासाराम में और बिहार शरीफ में जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, राज्य सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ उसको 8 घंटे के अंदर नियंत्रित कर ली। और हम लोग बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और उनके जो सहयोगी संगठन हैं वो सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। कुछ दिन पहले आपको स्मरण होगा कि जब नीतीश कुमार जी बिहार में एनडीए की सरकार चला रहे थे, उस समय भी केंद्र सरकार के एक मंत्री के पुत्र ने भागलपुर में सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास किया था, और उनको नीतीश कुमार जी के शासनकाल में एनडीए में रहते हुए उनको जेल की हवा खानी पड़ी थी। तो इसलिए ये करते हैं, वो लोग प्रयास करते हैं, लेकिन राज्य सरकार उससे और नीतीश कुमार जी उससे कोई समझौता नहीं करते हैं। इसलिए कि उनका मानना है कि प्रदेश में शांति का माहौल रहे, सांप्रदायिक सद्भाव रहे, सामाजिक सद्भाव रहे, आपसी एकता रहे, तभी विकास का काम आगे बढ़ता है। और यही काम वो 2005 से कर रहे हैं। न्याय के साथ विकास का मतलब यही है कि सबों के प्रति न्याय और सबका विकास। कहाँ चूक हो गई जो अभी हाल ही में हिंसा हुआ 3 जिले में होता है, ये रामनवमी सीधे मॉल को लूट लिया गया जो वीडियो वायरल, रामनवमी का समय है, रामनवमी का समय था, और रामनवमी के समय में रामनवमी में जुलूस लोग निकालते हैं, और उसी जुलूस में ऐसे तत्व कुछ घुस जाते हैं और वैसे तत्व घुस के उस माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।